एवरीवन, वैकेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डीआरडीओ डीएमएसआरडीई की तरफ से जेआरए पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो सब आप जान सके। अब इसका डिटेल्स क्या है वो देख लेते हैं। डीआरडीओ डीएमएसआरडीई की तरफ से जेआरए पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 का नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब पोस्ट वाइज डिटेल्स देख लेते हैं। जूनियर रिसर्च फेलोशिप में टोटल 4 पोस्ट है और सब्जेक्ट भी बता दिए हैं, केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग या मेटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब इसका क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। जो कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट की है केमिस्ट्री में और उसमें फर्स्ट डिविजन है और नेट क्वालिफाइड है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग और मेटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो कैंडिडेट बीई बीटेक की है और नेट या गेट क्वालिफाइड है, या जो कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट की है और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों में फर्स्ट डिविजन है, वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होगा 2 अगस्त 2023 को। रिपोर्टिंग टाइम है 9 बजे। इसमें अपर एज लिमिटेड 28 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है एज पर रूल्स। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स एज रिलैक्सेशन है। इसमें मंथली स्टाइपेंड मिलेगा 31,000 प्लस एचआरए एज पर डीआरडीओ रूल्स। इंटरव्यू का वेन्यू भी बता दिए है। इंटरव्यू होगा डीएमएसआरडीई ट्रांजिट फैसिलिटी नियर डीआरएलएम पुलिया, डीएमएसआरडीई जीटी रोड कानपुर। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट भी बता दिए है, एक बार देख लेते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो वो जल्द से जल्द अप्लाई करना। अप्लाई करने से पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट विशेष।